नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, आज हम बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के बारे में बात करेंगे जो इस रविवार को होने जा रहे हैं। तो चलिए इस चुनावी ड्रामे को समझते हैं। सबसे पहले तो गृह मंत्री अज़दुज़्ज़मान खान की बात करते हैं। उनका कहना है कि आवामी लीग सत्ता में रहते हुए बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, यानी भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पक्की है। और चीनी निवेश को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारत से 3 चुनाव पर्यवेक्षक ढाका पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया है, साथ ही एक देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की है। उनका कहना है कि वो एक तटस्थ सरकार चाहते हैं जो चुनाव की निगरानी करे। बीएनपी और उसके साथी दलों के करीब 28,000 नेता कार्यकर्ता जेल में डाले गए। बीएनपी के चुनाव बहिष्कार के बावजूद आवामी लीग लगभग 298 सीटों पर लड़ रही है और कई नेता बतौर आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं। जातियों पार्टी ने भी अकेले लड़ने का ऐलान किया है। अमेरिका, रूस और चीन भी इस चुनावी खेल में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने वीजा रोकने और पाबंदियां लगाने की धमकी दी है, जबकि रूस और चीन अमेरिका पर शेख हसीना के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ढाका के गोपी बाग में एक ट्रेन में लगी आग ने कम से कम 5 जाने ले ली और इसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। ये चुनाव से पहले की हिंसा का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, ये चुनाव न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। बीएनपी की हड़ताल और बहिष्कार का फैसला इस चुनावी खेल को और भी जटिल बना देता है। बीएनपी की योजना देखिए, वो पूरे देश में चुनाव के लिए जुलूस निकालेंगे, अभियान चलाएंगे और पर्चे बांटेंगे। उनका उद्देश्य है कि जनता को उनके विचारों के साथ जोड़ा जाए और इस तरह से चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव डाला जाए। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। चुनावी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को विशेष निर्देश दिए गए। चुनाव के परिणाम से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर भारत और चीन के साथ उसके संबंधों पर भी इसका असर होगा। दोस्तों, बांग्लादेश के चुनाव में ये सब देखने को मिल रहा है। ये चुनाव न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं कि इस चुनावी खेल का अंत क्या होता है। हम सभी की नजरें रविवार के चुनाव परिणाम पर होगी। तो ये थी आज की चुनावी गपशप। आप भी बताइए, आपके हिसाब से इस चुनाव का नतीजा क्या हो सकता है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।